अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ ब्यूटीफुल व्लॉग। तो देख रहे हैं कि आप जी हम एंजॉय करने पहुंच चुके हैं सोजो वाटर में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। द टेम्परेचर ऑफ लाहौर वाज टू मच हॉट, देन हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सोजो वाटर पार्क और इन्जॉय करेंगे बहुत सा। तो देख सकते हैं आप कितना फ़न किया हमने। आपको ये स्टार्ट वाली क्लिप से ही आइडिया हो चुका होगा कि किस कदर फ़न किया। और मेरी आवाज़ से भी समझ आ रही होगी कि मेरा गला ख़राब हो गया स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए। तो क्लोरीन होता है इस पानी में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होता है आपने, थोड़ी बहुत ज़्यादा देर तक उसमें स्ट्रे नहीं करना होता। इससे आपको निकल के थोड़ी देर बाहर बैठना होता है, देन फिर अगेन से स्विमिंग कर सकते हैं आप। तो सुबह सुबह जब हम रेडी हुए तो हम सुबह सुबह नहीं गए, क्योंकि हमें ये था कि थोड़ा सा जाना चाहिए। मुझे नहीं था, टाइमिंग का नहीं आइडिया था। पहले भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन अब 4-5 ईयर्स के बाद जा रही हूँ। खैर, आप लेमोसिन में बैठे हों या करोला गाड़ी में बैठे हों या फरारी में बैठे हों, शशके मशके अपने ही होने चाहिए, शशके। ओके, छीन छीन जब इकट्ठा होता तो मस्तक से बोला नहीं जाता, स्टाइल अपना ही होना चाहिए भाई। बाकी किसी ने की किसी ने बारे नहीं सोचना चाहिए कि कोई की सोच रहा है। तुम ऑटो च बैठे हो या फरारी च बैठे हो या एरोप्लेन च बैठे हो। तो यह छोटा सारा जरा सी ना, एक सैपरेट छोटी जी झील है, यह भी सोजो वाटर पार्क ही है। इतने भी लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। यह भैंसा का भी, मझा का भी सोजो वाटर से, और बहुत सारे होर लोगों का भी सोजो वाटर से। खैर, हमारा सोजो वाटर ये नहीं था, हमारा सोजो वाटर कोई और था, जहाँ पे हमने जाके पैसे पे करके स्विमिंग कर ली थी, और ये मुफ्त का सोजो वाटर था। यहाँ पे भी लोग बहुत सा एंजॉय कर रहे थे। किनार रोड के साथ बिल्कुल जलो पार्क से 7 मिनट की डिस्टेंस पे सोजो वाटर पार्क। खैर, मैं बहुत चौकी बन के पहुंची, क्योंकि सानू इसी के 600 टिकट पे करना है। बट जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, टिकट काउंटर पे जाते हैं, और मुझे पता चलता है कि संडे वाले दिन 1200 का टिकट होता है, 1200 का। आप सबको भी मैं गाइड करती जाऊँ कि मंडे वाले दिन टिकट होता है 500 से 550 का। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है 700 का। देन फ्राइडे और सैटरडे टिकट की प्राइस होती है 900, और संडे होता है 1200। खैर जी, हमने 5% 1200 पे किया, और फिर हमने स्विमिंग पूल में नहाने के मज़े किए। खैर, जो भी है, इस टिकट से कोई मतलब नहीं है कि ये ज़्यादा या कम है। जो भी हम तो मज़े करने आए थे, वो हमने करने ही करने थे। बेशक 2000 पर पर्सन भी टिकट होता। उसके बाद जी ये ड्रेस चेंज करना था, मैं तो अपना ड्रेस घर से लेके गई थी, वहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल हैं। ये हैं जी हमारे ड्रेस चेंज करने के बाद के नज़ारे। खैर, ये मेरा हेड जो है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे आयरलैंड से, इंपोर्टेड है शर्ट भी। टाइट्स मेरे अपने पाकिस्तानी हैं। खैर, इनका ड्रेस, इस ड्रेस को पहनने का मौका मुझे आज मिला, पानी में शावर लेते हुए, पानी में शावर लेते हुए या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए। ये वाला जो फर्स्ट पे स्विमिंग पूल है, इसमें यह है कि पानी बहुत कम होता है। इसमें आप अपने बच्चों को भी स्विमिंग करवा सकते हैं, साथ साथ स्लाइड्स बनी हुई हैं डिफरेंट, उन पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल स्लाइड्स भी हैं और कुछ थोड़ी सारी इस तरह राउंड सर्कल शेप में भी हैं। यहाँ पे इतना ही पानी होता है स्विमिंग में पूल में जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट वाला स्विमिंग पूल है, और ये दूसरे स्विमिंग पूल से बड़ा है। इसमें ज़्यादा रश इसलिए होता है कि वो लेडीज जिनके साथ में उनके ये बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं खुद भी, और अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रुक रुक के मैंने कुछ फोटोशूट करवाया अपना, देन उसके बाद मैं भी बच्चों की स्लाइड में, मेरी स्लाइड में घुस गई। मुझे हर वो काम करने में मज़ा आता जो मेरा दिल कर रहा होता है, और मैं ज़रूर करती हूँ वो। तो हमेशा मोस्टली मेरा बच्चों के साथ चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, बजाय इसके कि बड़ों के साथ। होनी तो बड़ों के साथ चाहिए, लेकिन होती नहीं है। पता नहीं मेरे में फॉल्ट है या अगलों में फॉल्ट है, इस गल का मैंने अज तक नहीं समझ आई। पर धड़ 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 ये हम गिरे, कोई इतना ख़तरनाक काम नहीं था, बहुत इजी सा था। फिर इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा और इसके मिड में स्विमिंग पूल पे, वो देख लें आप, बड़ी वाली भी स्लाइड्स हैं, लेकिन उसमें उस वाले स्विमिंग पूल में अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी मैं। यहाँ पे पानी इतना ही है कि आप इसमें बिल्कुल भी यानी कि होता शोता नहीं लगा सकते और डूब शुब नहीं सकते। उसके बाद एक ब्रिज सा बना हुआ है दोनों स्विमिंग पूल के दरमियान। मैंने सोचा मैं इधर से जंप करती हूँ। कभी इस तरह जंप नहीं किया तो माइंड में आ रहा था अल्लाह जिस मैं डिगांगी तो क्या होएगा। खैर, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं सी। मैं जब इसके अंदर जंप लगाया तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई, क्योंकि जंप लगाने से पहले मैं सोच रही थी कि जब मैं गिरूंगी एकदम से ड्रम 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 करके तो क्या होगा। लेकिन जब मैं आई तो बहुत हंसी आई और शर्मिंदगी भी हुई खुद पे कि ये तो कुछ भी नहीं होगा। ये आज ये सेकेंड वाला स्विमिंग पूल, इसमें 3 स्लाइड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये सबसे छोटी है, ये पर्पल वाली, साथ सेकेंड नंबर पर ये रेड है, और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको येलो दिखाऊंगी। उसमें 4 टर्न्स आते हैं, लेकिन ये थोड़ी घिस पिस चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं,
तो ये पर्पल वाली में तो फौरन आप स्लिप 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 होके आ जाते हो, लेकिन रेड वाली पे भी थोड़ा सा आ जाते हो, लेकिन येलो वाली जिसमें 4 टर्न्स है उसमें खुद ही स्लिप होना पड़ता है शर्मिंदों की तरह। उसमें बैठ के भी बंदा शर्मिंदा ही होता है स्लाइड करके, क्योंकि वो आपको प्रॉपर स्लिपरी शेप में लेके नहीं जाती। तो ये बड़े वाला स्विमिंग पूल है, देखिए आप इसमें मैं जब स्विमिंग कर रही थी तो पानी कहाँ कहाँ तक आ रहा था। फर्स्ट वाले में आपने देखा जस्ट मेरी फुल लेग्स भी डिप नहीं हो रही थी, मीन के हाफ भी नहीं हो रही थी। और इसमें आप पानी की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, इसमें आप अपने छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते वरना वो इसमें डूब जाएंगे। तो आप खुद यहाँ पे अगर अपने बच्चों को संभालने हो या तो